पक्ष तृतीया तिथि बुधवार का पंचांग, तो संवत 2077 हो गया, ईस्वी सन 2022 हो गया, क्योंकि 5 जनवरी का पंचांग हो जाएगा। तो दिन मान आपको हो गया 26 घटी 12 पल, और तृतीया तिथि का मान शाम 6:21 तक रहेगा। बुधवार का मान 2400 घंटा होगा, एक सूर्योदय से लेकर दूसरा सूर्योदय तक। श्रवण नक्षत्र, इसको श्रवणा नक्षत्र लोग बोल देते हैं, श्रवण नक्षत्र आपको दिन में 12:23 तक रहेगा दोपहर। वज्र योग है जो कि रात के 10:25 लगभग 10:30 रात तक रहेगा। वज्र योग के मतलब हो गया कि आपको मजबूती प्रदान करता है, अच्छा रहता है, लेकिन इसका स्थान विशेष पर शुभ अशुभ दोनों हो जाता है प्लस माइनस। छत्र योग हो गया, छत्र योग आपको 2400 घंटा रह जाएगा। अंग्रेजी तारीख आपको हो गया आंग्ल भाषा अनुसार है ना 5/5/5। फसली आपको हो गया 17/17। सूर्य के अनुसार 20 तारीख हो जाएगा। राष्ट्रीय 15/15। कुंभ राशि के चंद्रमा आपको आज आ जाएगा रात्रि 11:59 के बाद, अर्थात 12 बजे के बाद हो जाएगा। तो मकर कुंभ सीधा मकर कुंभ पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में चंद्रमा चला जाएगा, तो पश्चिम और दक्षिण की यात्रा सुपारी हो जाएगा, लेकिन रात 11:59 12 रात के बाद से। उसके पहले चंद्रमा आपको मकर राशि के रहेगा दक्षिण दिशा में, धनु मकर कुंभ, हाँ धनु पश्चिम दिशा रहेगा, तो पश्चिम और पूर्व यात्रा सुपारी रहेगा और दिशा शुरू भी नहीं है। सूर्योदय आपको 6:46 पर सुबह होगा प्रातःकाल, और 5:14 पर सूर्यास्त होगा शाम में। पंचक आपको आरंभ हो जाएगा 12 बजे रात से, मान 11:59 के बाद, अर्थात 12 बजे के बाद से पंचक पक्षखा आरंभ हो जाएगा। तो पक्षखा में जो नेक विध चलता है वो हो जाएगा, आपको स्टार्ट हो जाएगा, मरना जलना खाट बनाना छत बनाना ये सब मना हो जाता है। भद्रा आपको मृत्यु लोक में रहेगा जो कि भोर में रात्रि से 5:38 के बाद से आवेगा, मैं सुबह में आज लगभग 24 घंटा बच जाएगा, सूर्योदय के समय आ जाएगा तो अगला दिन चल जाएगा, उत्तरार्ध है बाद में है। मुँह जमादे उसानी 6 हिजरी सन 1443, मुँह से मुस्लिम जमादे उसानी 6 हिजरी सन उन लोग का होता है जो कि 1443 का प्रारंभ हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती आज के दिन, माने आधुनिक मतानुसार है ना, कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार नहीं, कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह का, सिखों के 10वां गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्मदिन मनाते हैं लोग। और प्राचीन मतानुसार आपको सप्तमी को हो जाएगा, 2 दिन के बाद होगा, अभी नहीं, सप्तमी को होता है। पश्चिम दिशायाम शुक्रास्त रात्रि शेष 3:45 बाद देना, माने रात्रि शेष भोर में प्रातः काल अगला जो हुआ सो 4:15 के बाद से पश्चिम दिशा में शुक्र अस्त हो जाएगा, और शुक्र अस्त हो जाने पर सब पूजा पाठ शुभ कर्म लग्न विवाह शादी इत्यादि सब कार्य बंद हो जाता है। और ऐसे भी आपको जो है सो खर्मास्त्र है लगभग बंदे है। रवि जो आपको दिन दोपहर 12:23 के बाद से आएगा, यही आज का पंचांग हुआ। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर करिए, हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ऐसे भी करके अंग्रेजी में उसको छू दीजिएगा तो काला रंग हो जाएगा, ब्राउन पूरा पर चला जाएगा ब्लैक पर, उसके बाद और घंटी का चित्र आएगा उसको भी छू दीजिए, तो सारा वीडियो मेरा कार्यक्रम आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
कमेंट करना चाहते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या शिकायत है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।